संजय है और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। देखते हैं ये क्या बोलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये अपना हिंदुस्तान में जो है, पहले हिंदुज्म आया, बाद में बुद्धिज्म आया, बाद में जैनिज्म आया और लास्ट में जाके सिखिज्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुज़्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया, लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है, क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मजहब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है, भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25-42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहां ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पर रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुजदिल कब से बन गए, तुम नपुंसक कब से बन गए, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट, हाउ हैव यू बिकम इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है, अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूँ हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े नो प्रॉब्लम, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालदेन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालता है, कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37-37 उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो, अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में,
अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी हू बहू, जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवद गीता पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया, लाखों लोगों को मारा, आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है। आप देखेंगे अशोका, फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया कि नहीं। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है, जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाइत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया ईसाइत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में, हिटलर जूस का कत्ल किया 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाइत गलत है, अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाइत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूँ, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाइत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि ईसाइत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है।